हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, अगर आप भी एक कंप्यूटर टीचर हैं या खुद अपने बच्चों को कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, साथ ही बुक के क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं, और उसमें अगर अभी कुछ डिफ़िकल्ट आ रही है आपको, तो हमारे चैनल पर बने रहें। मैं अपने चैनल पर क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए क्लास वाइज चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके बुक को सॉल्व करवा रही हूँ। साथ ही दो तीन चैप्टर को इंक्लूड करके क्लास वाइज MCQ भी लेकर आ रही हूँ। अभी तक मैंने क्लास फोर से स्टार्ट करते हुए क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए क्लास फोर्थ पर आ चुकी हूँ। क्लास फोर्थ के चैप्टर्स के MCQ आज मैं लेकर आई हूँ। और आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माई चैनल माई पाठशाला। तो आज हमारा MCQ पार्ट 3 क्लास फोर्थ के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट से रहेगा, जिसमें मैंने चैप्टर इंक्लूड किए हैं प्लेइंग विद पिक्चर्स, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया एंड मोर ऑन इंटरनेट। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ईयर इंट्रोड्यूस टू फर्स्ट वर्जन ऑफ MS पेंट। कौन से साल में MS पेंट का फर्स्ट वर्जन को इंट्रोड्यूस किया गया था? नंबर ए 1985, बी 1986, सी 1987 एंड डी 1988। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1985। आंसर ऑप्शन ए 1985। क्वेश्चन नंबर 2, विच डायरेक्शन रोटेट पिक्चर इन MS पेंट। MS पेंट में कौन से डायरेक्शन में पिक्चर को हम रोटेट करवा सकते हैं? ऑप्शन ए लेफ्ट 90 डिग्री, ऑप्शन बी राइट 90 डिग्री, ऑप्शन सी ऑल डायरेक्शन एंड ऑप्शन डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेलेक्शन टूल्स अवेलेबल इन MS पेंट। MS पेंट में कितने प्रकार के सेलेक्शन टूल अवेलेबल हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, 3, सी 3 एंड डी 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2। 2 तरह के सेलेक्शन टूल्स MS पेंट में अवेलेबल हैं, फ्री फ्रॉम सेलेक्शन एंड रेक्टेंगुलर सेलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन स्क्यू पिक्चर। इनमें से हम पिक्चर को किस प्रकार हम पिक्चर को स्क्यू करा सकते हैं? हॉरिजेंटली, बी वर्टिकली, सी बोथ या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ। हम पिक्चर को हॉरिजेंटली या वर्टिकली दोनों तरह से पिक्चर को स्क्यू करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन इज यूज्ड फर्स्ट टू एडिट एनी पिक्चर। इनमें से कौन से ऑप्शन को यूज़ करके सबसे पहले हम पिक्चर को एडिट कर सकते हैं? ऑप्शन ए सेलेक्ट, बी कट, सी कॉपी एंड डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सेलेक्ट। सबसे पहले हम पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही उसमें कोई भी चीज़ हम एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑप्शन अलाउड टू कट आउट एनी पोर्शन ऑफ इमेज। पिक्चर के किसी भी पोर्शन को कट करने के लिए हम कौन से ऑप्शन को यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए पेस्ट, बी क्रॉप, सी कॉपी या डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्रॉप। किसी भी इमेज के किसी भी पोर्शन को कट करने के लिए हम क्रॉप ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सेवन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन इज यूज टू मेक पिक्चर स्मॉलर और लार्जर। इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज़ करके हम पिक्चर को स्मॉलर या लार्जर कर सकते हैं? ऑप्शन ए रिसाइज, बी स्क्यू, सी क्रॉप, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रिसाइज। रिसाइज करके हम किसी भी पिक्चर्स को स्मॉलर या लार्जर कर सकते हैं।
Question number 10. Rotating and flipping a picture option is present in. Rotating and flipping picture options किस में present रहता है? View group में, B home group, C file group या D none. Correct answer is option A view group. View group में rotating and flipping a picture options मौजूद रहता है. Question number 11. In multimedia the word multi means क्या होता है? Option A many, B buildings, C computer या D none. Correct answer is option A many. Question number 12. Which is not a part of multimedia? इनमें से कौन multimedia का part नहीं है? Option A text, B video, C programming या D none. Correct answer is option C programming. Programming multimedia का part नहीं है. Question number 13. Which is not a multimedia hardware? इनमें से कौन multimedia hardware नहीं है? Option A printer, B monitor, C speaker या D none. Correct answer is option A printer. Printer multimedia का part नहीं है. Question number 14. We can listen sound with the help of. हम साउंड को किसकी मदद से सुनते हैं? ऑप्शन ए मॉनिटर, बी स्पीकर, सी माइक्रोफोन या डी नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्पीकर. स्पीकर के द्वारा हम साउंड को सुनते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. इंटरनेट इज अ लार्ज ऑफ कंप्यूटर. इंटरनेट लार्ज है कंप्यूटर का क्या? ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी नेटवर्क, सी सॉफ्टवेयर या डी नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेटवर्क. इंटरनेट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 16. वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ. वेबसाइट कलेक्शन है ऑप्शन ए वेब पेजों का, बी एप्स का, सी होम पेज एंड डी नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वेब पेजेस. वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 17. द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड. वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेब पेज, बी होम पेज, सी फर्स्ट पेज या डी नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी होम पेज. वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ. इंटरनेट एक्सप्लोरर है नंबर ए वेबसाइट, बी सर्च इंजन, सी ब्राउजर या डी नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्राउजर. इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑप्शन इज यूज टू मेक पिक्चर स्मॉलर और लार्जर. इनमें से कौन से ऑप्शंस का यूज़ करके हम पिक्चर को स्मॉलर या लार्जर कर सकते हैं? ऑप्शन ए रिसाइज, बी स्क्यू, सी क्रॉप, डी नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रिसाइज. रिसाइज करके हम किसी भी पिक्चर्स को स्मॉलर या लार्जर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज. ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी ई मार्केट, सी ई मॉल या डी नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मॉल. आज के लिए इतना ही. आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं. और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. फोर्थ चैप्टर के एमसीक्यू अब कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर क्लास फिफ्थ के एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं.
तो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।